प्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य के तृतीय अध्याय के त्रयोदश खंड का अंतिम मंत्र है, सप्तम मंत्र। द्विलोक के परि ज्योति वो आदित्य ज्योति नहीं है, वो परमात्मा है। भाष्य चल रहा था, तो ज्योतिर्दीप्यते कहा, अतः जदतो अमस्मात् दिवो द्विलोकात् परः परमिति लिंगम लिंगवेत्तयेन ज्योतिर्दीप्यते। क्योंकि उपक्रम में नपुंसक लिंग विशिष्ट शब्द है यत, और उपसंहार में ज्योतिर शब्द, ये भी नपुंसक लिंग विशिष्ट शब्द है ज्योतिर। इसलिए बीच में जो आया पर, उसको भी नपुंसक में समझ लेना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकर ने कहा पर पर। कहते हैं परमात्मा का जो ज्ञान स्वरूप स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव, वो तो कादाचित का नहीं है। कादाचित का जब नहीं है, फिर ज्योतिर्दीप्यते ऐसे क्रियापद कैसे प्रयोग किया। दीप्यते क्रियावाचक है ना धातु, तो जिसका प्रकाश कादाचित का हो, जैसे अग्निर्ज्योति, ये अग्निर्दीप्यते, वहाँ पर तो हो जाएगा वो, क्योंकि वो क्रिया है। तो परमात्मा में तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर लिखते हैं स्वयं प्रभम, वो ज्योति आदित्य का वो स्वभाव, ये परब्रह्म का जो है ज्ञान, उसका स्वभाव है वो। ये लोग बोलते स्वयं प्रभम, स्वयं प्रभम, स्वयं प्रभा यस्य तत् स्वयं प्रभम। क्यों स्वयं प्रभा हुआ, हेतु क्या है? बोलते हैं सदा प्रकाशत्व, क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप न है परमात्मा, और ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है। यदि ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा, इसलिए ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानते हैं। इसलिए कल मैंने बताया ना, अनुभूति ही स्वयं प्रकाश, अवैद्यत्व सती अपरोक्ष व्यवहार यज्ञत्व। दृष्टांत अन्वय नहीं मिलेगा, व्यतिरिक्त दृष्टांत, यन्न एवं तन्न एवं यथा घट। हाँ, जैसे कहते हैं यन्न एवं तन्न एवं यथा जलादिकम, बोलते हैं ना व्यतिरिक्त अनुमान में,
अथवा यन्नैव तन्नैव यथा जलरहद। तो यन्नैव तन्नैव मतलब क्या, यद न एवं तद न एवं, जो ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है, मतलब जो बनने वाला नहीं होगा वो धूम वाला नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। जो बनने वाला नहीं होगा वो धूम वाला नहीं होगा, मतलब जो साध्याभाव वाला होगा, ये अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से जो संप्रकाश नहीं होगा वो अवेद्य होकर के अपरोक्ष व्यवहार योग्य नहीं होगा, जैसे घटपट आदि है वो संप्रकाश नहीं है इसलिए परवेद्य है, अवेद्य नहीं, अवेद्य है, अवेद्य नहीं वो वेद्य हो गया, वेद्य का अर्थ पर प्रकाश होता है। और अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नहीं होती घटपट आदि में, ज्ञान का संबंध हो तो घट का व्यवहार होगा, घट को पहले जानेंगे तो घट का व्यवहार करोगे, लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। और ऐसा जो ज्ञान है संप्रकाश ज्ञान, वो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए अनुभूति ही आत्मा, अनुभूति आत्मा है। क्यों, नित्यत्व सति स्वप्रकाशत्वात्, यहाँ पर ही व्यतिरिक दृष्टांत होता है, यन्नैव तन्नैव यथा घटादयः, ऐसे दृष्टांत मिलेगा। जो अनुभूति रूप नहीं होगा वो आत्मा नहीं होगा, ऐसा है, ऐसा होता है। चलो, इसलिए यहाँ पर लिख दिया सदा प्रकाशत्वा दीप्यते इव दीप्यते, दीप्यते इव दीप्यते, जैसे दीपायमान है, दीपायमान जैसा होता है, किसी से प्रकाशित तो होता नहीं, वहाँ पर क्रिया शब्द का, जैसे सूर्य प्रकाशते, प्रकाशते का तो प्रकाशते इव ऐसा बोल देते हैं, कोई वस्तु का संबंध हुआ तो उसका प्रकाश हो जाता है। अन्य दृष्टांत तो मिलेगा नहीं, व्यतिरिक दृष्टांत है, थोड़ी टीका है इसके ऊपर। कस्मात् इव इति प्रयुज्यते, मुख्यमेव दीप्यमानत्वं किं न स्यात्। भगवान भाष्यकार लिखा रहे, देखो दीप्यते का अर्थ कर दिया, दीप्यते इव दीप्यते कह दिया, तो वहां पर इव क्यों कहा, मुख्यम एव दीप्यमानत्वं किं न स्यात्। दीप्यमान, दीप्यमान का अर्थ होता है दीप्ति का विषय, कर्म अर्थ में सानच, दीप्ति का विषय क्यों नहीं मानेंगे। तो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं, व्यतिरिक्त दृष्टांत कह रहे, अग्न्यादिव ज्वलन लक्षण या दीप्तिर असंभवात्। जैसे अग्नि में होता है ज्वलन, ज्वलन रूपी क्रिया है, वो काष्ठ का संबंध हुआ तो अग्नि में ज्वलन रूपी क्रिया होती, नहीं तो शांत हो जाएगी, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं कि आत्मा के साथ किसी का संबंध हुआ तो आत्मा में ज्ञान हुआ, जैसे तार्किक लोग मानते हैं। एक तो संबंध बनता ही नहीं आत्मा का, और संबंध बन भी गए तो के मुक्त, ये क्या बोलते हैं, अभिवकम बात से आत्मा का संबंध बन भी गया मन आदि के साथ, बनता तो नहीं है, चलो संबंध बन भी गया, तो संबंध बनने से आत्मा चेतन होगा, और संबंध नहीं बनने से क्या होगा, फिर आत्मा जड़ हो जाएगा, फिर आत्मा की अनुभूति कैसे होगी फिर, है ना। इसलिए आत्मा में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, जैसे अग्नि में ज्वलन रूपी क्रिया होती है काष्ठ आदि के संबंध से, ऐसे दीप्ति परमात्मा में नहीं है, दीप्ति असंभव हेतु उभयत्र संबंध। देखो वहां पर करना हेतु मतलब हेतु वाक्य, जैसे कह दिया सदा प्रकाशत्वात्, सदा प्रकाशत्वात्, वो परमात्मा सदा प्रकाश है ना, इसलिए परमात्मा को क्या कह दिया, परमात्मा कह दिया ज्योति ही, और सदा प्रकाश होने से परमात्मा कहा दीप्यते, इसलिए दोनों में संबंध होगा, दोनों के लिए हेतु बन गया, सदा प्रकाशत्वात् परमात्मा ज्योति,
असता प्रकाशत्वत परमात्मा दीप्यते ज्योतिर्दीप्यते, ले दीप्यते के साथ भी संबंध होगा इसका, सदा प्रकाशत्व का, और ज्योति के साथ भी होगा ऐसा है। उसके बाद कहा साप के ऊपर वो ज्योति, ये उपासना चल रही है ना, वो परमात्मा जो ज्योति है प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप, उसकी उपासना करनी है ये कोक्षय ज्योति, जठराग्नि में उपासना करनी है ठीक। उसके ऊपर आदित्य लोक के ऊपर ज्योति परमात्मा, वो शरीर में भी है, और कौन है बोले ये ज्योति जठराग्नि ज्योति, जठराग्नि ज्योति जो है वो प्रतीक हो गया, जैसे भगवान विष्णु का प्रतीक होगा शालिग्राम, इसी प्रकार चल रहा है। विश्वतः पृष्ठेषु इत्येतस्य व्याख्यानम सर्वतः पृष्ठेषु इति, क्योंकि मंत्र में जो है ना विश्वतः पृष्ठेषु, इसी का ही व्याख्यान हो गया सर्वतः पृष्ठेषु, वो अलग अलग नहीं है, विश्वतः पृष्ठेषु का ही व्याख्यान है सर्वतः पृष्ठेषु। तो विश्व शब्द आया, विश्व और सर्व बोलते संसारात उपरी, सब के ऊपर हो संसारात उपरी, संसार एव ही सर्व, परमात्मा से अतिरिक्त सब संसारी है, अनात्मा बरव सब संसार है, संसार दीदे संसार। विश्व सर्व पर्याय है, पुनरुक्ति कम व्याख्यान बोल रहे ना, व्याख्यान में पुनरुक्ति कैसे होगी, भाष्यकार लिख दिया ना विश्वत पृष्ठेषु इत्यस्य व्याख्यानम सर्वत पृष्ठेषु, व्याख्यान है ना। टीका थोड़ी सी, सर्व शब्दस्य असंकुचित वर्तित्वा, सर्व शब्द जो है यहां पर असंकुचित वर्ती, संकुचित में नहीं रहता है, मतलब सबको विषय करता है सर्व शब्द, करना चाहिए ठीक है ना, इसलिए असंकुचित वर्ती मतलब असंकुचित वर्तते इति असंकुचित वर्ती, ऐसे शब्द बनता है, असंकुचित में नहीं रहता है, हाँ मतलब काम को विषय करता हो ऐसा नहीं, जो काम को विषय करेगा उसको बोलते हैं संकुचित वर्ती ठीक, और जो संकुचित को विषय नहीं करता है सबको विषय करता है उसको क्या बोलेंगे असंकुचित वर्ती, ऐसे शब्दों का प्रयोग है ये। जैसे आप तर्क संग्रह में पढ़े हो, जैसे ओ केवलान्वय अनुमान है ना, केवलान्वय अनुमान, जैसे कह दिया ये नहीं व्यभिचार में सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वात् ऐसा बोल दिया, अभिधेयम हाँ ठीक था, सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वात् ये कहा कि नहीं, वहां पर सर्व शब्द आ गया, तो सर्व सबको विषय करेगा, आत्मा को भी करता है अनात्मा को कहते हैं, क्योंकि तार्किक लोग ना आत्मा को भी अभिधेय मानते हैं और आत्मा को भी क्या मानते हैं प्रमेय मानते हैं, प्रमेय कहते हैं प्रमा का विषय और अविधेय मतलब अविधा का विषय, मतलब वाच्य सारा पदार्थ वो लोग वाच्य मानते हैं, सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वात् ऐसा जो है ना, हाँ इसको कौन सा हेतुवाच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे भी हेतुवाच का नाम क्या है वो बोलो, अनुपसंहारी, अनुपसंहारी सभी विचार में आएगा, सभी विचार में आएगा है ना, सर्व सपक्ष विपक्ष है दृष्टांत रहित, तो ऐसा कहा ना दृष्टांत है, दृष्टांत जहां पर नहीं है उसको बोलते, चलो तो इसी प्रकार यहां पर सर्व विश्व का अर्थ कर दिया सर्व, तो इसमें तो आत्मा भी आ गया, सर्व कहने से आत्मा भी आ गया ना, इसलिए बोलते हैं आत्मनोपि तेन संहृतत्वा,
आत्मा का भी सर्व शब्द से संग्रहित हो गया। कथम तस्माद ऊर्धम ब्रह्म, वे आत्मा के ऊपर सर्व कहने से तो आत्मा भी आ गया, आत्मा के ऊपर ब्रह्म कैसे होगा, ज्योति जो ब्रह्म है ये तो संभव नहीं है, ये बोलते हैं। ठीक, तस्मत का आत्मना, आत्मा के ऊपर ब्रह्म नहीं रहेगा। उपपन्नम, कथम उपपन्नम, यदि आशंका हो ऐसी आशंका करके बोलते हैं ऐसा नहीं, ये आत्मा जो है संसार कोटि में नहीं आता है। ठीक, इसलिए सर्व शब्द यहाँ पर संसार को कहा गया, आत्मा को नहीं कहा गया, ये बोलते हैं। संसार एव ही सर्व, सर्व शब्द से यहां पर संसार को लेना है। बोलते आत्मा को क्यों नहीं लेंगे, बोलते कि आत्मा संसारी है ही नहीं। और संसारी क्यों नहीं है, बोलते एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है। और संसारी ना, ये लिखते हैं यहां पर, तो असंसारण एकत्वा निर्विधत्वाच, आत्मा एक है और आत्मा निर्भेद है, जिसमें भेद नहीं है। ठीक है, निर्गतः भेदः यस्मात् सः निर्भेदः, ऐसा होता है जिसमें किसी प्रकार का सजाती आदि भेद नहीं है। ठीक, तो भेद को लेकर जहां पर होता है वो तो उपाधिक होता है, उपाधिक भेद होते हैं। जैसे आकाश में देखो भेद मानते हैं, घटाकाश है मठाकाश है, ये तो उपाधि को लेकर होता है। इसलिए आत्मा अथवा आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान आदि है उसमें स्वाभाविक भेद नहीं होता है। इसलिए आत्मा स्वाभाविक भेद शून्य, आत्मा में स्वाभाविक भेद नहीं होते, आत्मा स्वाभाविक भेद शून्य। उपाधि परामर्शम अंतरिणा अविभाव्यमान भेदत्वात् यथा गगनम, देखो मैंने ये अनुमान बताया है ना, आत्मा स्वाभाविक भेद शून्य। तर्क पढ़े हो ना, तर्क क्यों पढ़े हो, वेदांत के लिए तर्क पढ़ना पड़ता है, न्याय सिद्धांत है। मनन स्थानापन्न होता है, मनन के लिए सहकारी है ये न्याय। आत्मा स्वाभाविक भेद शून्य उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात् यथा गगनम, दृष्टांत है गगन, व्यवहार में गगन में जैसे स्वाभाविक भेद नहीं होता है, उपाधि, हाँ उपाधि को लेकर तो दिखता है वो, स्वाभाविक भेद नहीं होता है। अच्छा, सर्व शब्दस्य अनेकार्थवाचित्व, ये देखो नारायण, सर्व शब्द जो है अनेकार्थ का वाचक होता है, जो अनेक हो उसमें सर्व शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे किसी का नाम रख दिया सर्व, आश्रम में किसी का नाम मान लो जो सर्व रख दिया, सबका वाचक नहीं हुआ ना, सबका वाचक जब नहीं होगा, किसी का नाम हो गया उसमें सर्नाम संज्ञा नहीं होती है। सर्वादिनी सर्वनामानी, वहां पर सर्वनाम संज्ञा होती नहीं, सबका वाचक होना चाहिए, तब जाकर के उसकी क्या होगी, उस सर्व की सर्नाम संज्ञा होगी, है ना। तो सर्व शब्दस्य अनेकार्थवाचित्वात् और आत्मनिच एकत्व, आत्मा तो एक ही है, आत्मा एक ही है। और प्रकार भेदस्य, तो कोई प्रकार भेद तो है ही नहीं, प्रकार भेद उसमें कोई विशेषण वगैरह होता होगा अथवा अनेक प्रकार भेद होता होगा, ऐसा नहीं है। अनेक आत्मा हो ऐसा नहीं, उसमें प्रकार भी नहीं है उसमें भेद भी नहीं है, इसलिए प्रकार भेद लेना है। इसलिए क्या है, नित्य मुक्ते, वो तो नित्य मुक्त है वो। तस्मिन असंभवात्, इसलिए न तस्य सर्व शब्दात् प्रतीतिर इत्यर्थ, इसलिए आत्मा
में सर्व शब्द का प्रयोग नहीं होता है, सर्व शब्द से उसकी प्रतीति आत्मा के नहीं होगी, मतलब सर्व शब्द से आत्मा को नहीं ले सकते। अच्छा, ये भाष्य हो गए असंसारिणा एकत्वा निर्विधत्वाच्च। और अनुत्तमेशो उत्तमेशो का, ये जो सत्यादि लोग है ब्रह्म लोग, ये अनुत्तम उत्तम लोग है। दो शब्द प्रयोग किया, अनुत्तमेशो उत्तमेशो, दो शब्द क्यों कहा भाई? थोड़ी टीका ले लो तब समझ में आएगा आप लोगों को। कहते हैं उत्तमाः न भवन्ति इति अनुत्तमा, ऐसे कहा। उत्तमा बहुवचन है, उत्तमाः न भवन्ति इति अनुत्तमा, ये नए तत्पुरुष समास हुआ। जो उत्तम नहीं है उसको कहेंगे अनुत्तम, उसको क्या बोलेंगे? अनुत्तम। ऐसा ये तत्पुरुष संज्ञा करोगे तो जो अनुत्तम हो गया उत्तम नहीं हो सकता है, अभाव हो गया ना, जो अभाव है भाव कैसे होगा? जो उत्तम नहीं है उसका नाम क्या होगा? अनुत्तम। जो अनुत्तम है वो उत्तम नहीं हो सकता है, इतना आया? नए तत्पुरुष समास करेंगे तो ठीक। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर उत्तमा न भवन्ति इति अनुत्तमा, तेषु, तेषु कहने से अनुत्तमेषु। तत्पुरुष आशंकायाम, तत्पुरुष की आशंका कोई हो जाए, भाई व्याकरण पढ़ाए ना, व्याकरण पढ़ाए तो तत्पुरुष समाज बोल देगा, तो आशंका हो जाएगी, संशय होगी, संशय होगा नहीं तो भ्रांति होगी, दोनों में से कोई एक होगा। तो तन निवृत्ति द्वारा, इसलिए उसके निवृत्ति के द्वारा, मतलब तत्पुरुष शंका के निवृत्ति के द्वारा, तत्कार्थ तत्पुरुष शंका, तत्पुरुष की आशंका, उसकी निवृत्ति के द्वारा बहुव्री सिद्ध्यर्थम विशेषणम इतिहा। इसलिए बहुव्री की सिद्धि के लिए विशेषण पद दिया गया उत्तमेशु, ऐसा में कौन सा दिया? उत्तमेशु विशेषण हो गया, किसका? अनुत्तम का, ठीक है ना। हाँ, यदि हाँ तत्पुरुष संज्ञा तत्पुरुष समास करोगे तो जो अनुत्तम है उत्तम नहीं हो सकता है, जब नहीं हो सकता तभी उत्तम पद देना व्यर्थ हो गया। क्या जी? तो समुच्चय क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ निकलेगा नहीं। तो जो अनुत्तम है वो उत्तम नहीं हो सकता है, नए तत्पुरुष समाज यदि करोगे तो, पकड़ में आएगा नहीं है? लेकिन श्रुति ने उत्तमेशु शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए अर्थापत्ति से, इसको बोले अर्थापत्ति, अर्थापत्ति प्रमाण से यहाँ पर तत्पुरुष तत्पुरुष समाज नहीं है अपितु बहुव्री समास है, शब्द प्रयोग के सामर्थ्य से। क्या समझे? उत्तमेशु शब्द प्रयोग के सामर्थ्य से यहाँ पर तत्पुरुष संज्ञा नहीं होगी अपितु बहुव्री समास के, यहाँ पर बहुव्री समास होगा, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं टीकाकार बहुव्री सिद्ध्यर्थम विशेषणम, बहुव्री समास की सिद्धि के लिए ये विशेषण दिया गया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं भाष्यकार अनुत्तमेशो तत्पुरुष समासा संख्या शंका निवर्तये आह उत्तमेशु लोकेशु इति। इति सत्य लोकादिशु, ये सब सत्य लोक है, ये तो सत्य लोक कहा, ये सत्य लोगों को उत्तम लोक के दिया, क्यों कहा इसके ऊपर विचार है। किमिति तेषु, आगे बढ़ गया क्या? हाँ ठीक है। किमिति तेषु परब्रह्म निर्दिश्यते तस्य सर्वगतत्वात् इति आशंक्याः हिरण्यगर्भादी। भाई उत्तम लोग जो है सत्य लोग है, हिरण्यगर्भादी, उसमें परब्रह्म है, परब्रह्म तो व्यापक है तो उसमें क्यों रहेगा? परब्रह्म व्यापक है तो उसको परिच्छन्न में कैसे रहेगा कहोगे? क्योंकि आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, ये श्रुति बोलती है, परमात्मा तो व्यापक है तो उसमें कैसे रहेगा कहोगे? ये शंका होने से बोलते हैं देख लो।
हिरण्य गर्भादि कार्यस्थ परस्य ईश्वरस्य आसन्नत्वात् उच्चत उत्तमेषु लोकेषु इति। बोलते हो परमात्मा है, एको देव सर्वभूतेषु गुणः, वही परमात्मा ही माया में स्थित होकर के जगत का कारण हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, और वही निर्विशेष परब्रह्म ही समष्टि सूक्ष्म में रह करके हिरण्य गर्भ हो जाता है। ये बोलते हैं इसलिए हिरण्य गर्भादि कार्य, हिरण्य गर्भादि ना आदि से विराट भी ले लो और क्या, ये जब कार्य है, कार्य है ये उपाधि कार्य होता है, और उसमें परमात्मा विद्यमान है। ये बोलते हैं हिरण्य गर्भादि कार्यस्थ परस्य, वो परमात्मा ही है, परमात्मा हिरण्य गर्भ के रूप से है, और हिरण्य गर्भ जानता है कि मेरा स्वरूप परब्रह्म है, इसलिए माया विशिष्ट चेतन जैसे जानता है इसी प्रकार से हिरण्य गर्भ भी जानता है। हिरण्य गर्भादि कार्यस्थ परस्य ईश्वरस्य आसन्नत्वात्, आसन्न मतलब क्या, निकट है, और जिस अंतकरण में जिस उपाधि में परमात्मा अभिव्यक्त हो ना, तो उसके लिए परमात्मा क्या हो गया, सबसे ज्यादा निकट हो गया। अज्ञानी के लिए भी निकट है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन अज्ञानी जानता नहीं इसलिए ज्ञानी के लिए परमात्मा को निकट कहा गया। इसलिए बोलते आसन्न, आसन्न शब्द का अर्थ होता है निकट, निकटस्थ को बोलते हैं आसन्न। आसन्नत्वात् मतलब निकटस्थत्वात् उच्यते उत्तमेषु लोकेषु इति। ये अर्थ क्या है देखो, तत्कार्यात्मना स्थितं परब्रह्मा, देखो भाष्य में था ना हिरण्य गर्भादि कार्यस्थ, उसका अर्थ कर देखो, तत्कार्यात्मना मतलब क्या, हिरण्य गर्भ जो कार्य है, हिरण्य गर्भ कार्यात्मना स्थितम, परमात्मा ही हिरण्य गर्भ कार्य के रूप से स्थित है। यद्यपि हिरण्य गर्भ भी कार्य नहीं है, उसकी उपाधि कार्य होने से उसको कार्य ब्रह्म बोल देते हैं, कोई भी कार्य नहीं है, ना हिरण्य गर्भ कार्य है, ना विराट कार्य है, ना हम लोग कार्य है, कोई भी कार्य है नहीं, जीव तो अनादि है, उपाधि कार्य होने से उसको कार्य बोल देते हैं। तत्कार्यात्मना स्थितम परम ब्रह्म, पर ब्रह्म ही हिरण्य गर्भ, इसलिए कहा उत्तमेशु लोकेशु, इसलिए उस लोक को उत्तम लोक बोल दिया। तस्य सर्वत्र सतोपि, परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, परमात्मा उपादान है, अधिष्ठान है, इसलिए सर्वत्र विद्यमान है। तस्य सर्वत्र सतोपि सत्यलोकादिषु हिरण्य गर्भाद्यात्मना, सत्यलोकादि में भी परमात्मा रहेगा, किस रूप से, हिरण्य गर्भादि के रूप से, और अतिशयन नित्याविभक्तत्वाद इत्यर्थ, और वहाँ पर जो है अतिशय से नित्य अभिव्यक्त है, अरे ज्ञान हो गया तो नित्य अभिव्यक्त हो गया, अरे क्या उपासना करके जाते वहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है, और हिरण्य गर्भ का तो ज्ञान है ही हो, इसलिए कह दिया परमात्मा नित्य अभिव्यक्त है, वहाँ पर नित्य अभिव्यक्त होने से उसको कह दिया उत्तम लोग, अरे क्या ऐसा है। जैसे बोलते हैं कि ये व्यक्ति सज्जन है, बोलते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति क्या है सज्जन, मतलब क्या है, वो सदमार्ग में जा रहा है, सत परमात्मा के मार्ग में जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं सज्जन। तो बाकी लोग क्या असत है क्या सब सत ही है ऐसा है सत परमात्मा को बोलते हैं, इसी प्रकार है। अच्छा आगे देखो भाई, यदिति सर्वानामना सर्वनामना प्रकृतम ब्रह्म परामृश्यते तस्य उपास्यत्वार्थम संसारात उपरिष्टात अवस्थानम उक्तम, न छूटा है, संसारात उपरिष्टात अवस्थानम उक्तम, स्था के बाद न चाहिए, पुरानी पुस्तक में, नई में है अवस्था, न न होना चाहिए। तो मंत्र में जो ना यत आया, अतः यद अतः करो दीव, ये यत है ना, यत क्या है, ये परमात्मा के लिए, यत शब्द से परामर्श किया
इसलिए बोलते हैं यदिति सर्वनामना, यद इस सर्वनाम शब्द के द्वारा, सर्वादिनी सर्वनामानी, तो सर्वनाम होते हैं पूर्व पदार्थ का परामर्श होता है, पूर्व प्रधान का सर्वनाम न पूर्व पदार्थ, पूर्व प्रधान पदार्थ से परामर्शित्वात्। यद शब्द से परमात्मा को ही लेना यहाँ पर, प्रकृतम ब्रह्म जो प्रकरण का विषय है परब्रह्म, उसका परामर्श किया जाता है यत शब्द के द्वारा। यत शब्द से परमात्मा को लीजिए, वही यहाँ पर उपास्य है, तस्य उपास्यत्वार्थम, वही परमात्मा उपास्य है, इसलिए वो संसार के ऊपर बोल दिया। ठीक है ना, परमात्मा सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, उपास्य है, मतलब इसलिए उसको संसार से ऊपर बोल दिया, मतलब संसार के अंतर्भुक्त नहीं है, वो संसार कोटि में नहीं है, इसलिए संसारात उपरिष्टात अवस्थानम उक्तम, उपासना के लिए कहा। अच्छा, इदानीम कोक्षये ज्योतिषे तत् आरोपयते, तो बोलते हैं कोक्षये ज्योति, कुक्षो भवः इति कोक्षेय, कुछ बोलते उधर पेट, उसमें जो ज्योति है ना जठराग्नि, उसको बोलते कोक्षेय, कोक्षेय ज्योतिषी, उधर संबंधी ज्योति में उसका आरोप करके उपासना करनी है, वो परमात्मा इधर है, कौन है, वो ज्योति है। इसलिए तत् आरोपयति, इदम भाष्य में देखो, इदम भाव, वहां पर मंत्र माने इदम भाव, भाव का अर्थ एव, ये लिखते हैं एव, तात कौन है, यही है जो सुधर में है, इदम अस्मिन पुरुषे अंतर्मध्ये ज्योति ही, इस पुरुष के अंदर शरीर के अंदर ज्योति है, वही परब्रह्म है, ये उपासना के लिए वो प्रतीक हो गया। और बोलते हैं वो ज्योति तो दिखते नहीं, तो कैसे पता लगता है शरीर के अंदर ज्योति है, बोलते हैं ये वहाँ उष्ण है ना, उष्ण है, हाँ शरीर में गर्मपन है जठराग्नि से, और शब्द भी होता है, ये बोलते हैं यहाँ पर, चक्षुसूत्र ग्रहणा लिंगे न उष्णिम न शब्दे न च अवगम्यते, अवगम्यते ज्योति है। उसका अवगम होता है, वह ज्ञापन होता है जो लिंग से, ये कह रहे यहां पर, कोक्षे ज्योतिषी प्रतीके प्रमाणम दर्शयते, कोक्षय जो ज्योति है वो प्रतीक है, परमात्मा की उपासना के लिए वो प्रतीक है ना। तो कितना सरल उपाय है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना काशी जाओ ना मथुरा जाओ ना वृंदावन जाओ, ज्योति तो सबके पास ही है। एक नहीं, तो कोक्षय ज्योतिषी प्रतीक है, वो प्रतीक है परमात्मा का, इसमें क्या है, वो तो दिखता नहीं, उसमें क्या प्रमाण है, प्रमाणम दर्शयति, प्रमाण को दिखलाया, तो गुण को लेकर के गुणी का अनुमान करते ना लोग, नया के लोग भी करते ना, गुण से गुणी का अनुमान करते हैं, ये शब्द से आकाश का अनुमान करते हैं तार्किक लोग, आकाश दिखता नहीं, आकाश नहीं दिखता है, लेकिन शब्द दिखता है, दिखता मतलब क्या, भान होता है श्रोत्र इंद्रिय से, तो श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ज्ञान हो रहा है, ठीक है, इसलिए शब्दों को लेकर आकाश का अनुमान करते हैं। तो चक्षु श्रोत्र ग्राहिणा है ना, इसलिए कहा चक्षु और श्रोत्र से ग्राह्य होता है, चक्षु से ग्राह्य यहाँ पर उष्ण, उष्ण कैसे बताएंगे, और श्रोत्र से ग्राह्य होता है कौन, ये हाँ शब्द, शब्द होता है, ये हो गया लिंग, ज्ञापक लिंग। चक्षुष्यः भवति इति फलवचना अनुसारणा, स्पर्श रूप एक्यम आध्यासिकम आदाय उष्णश्च चाक्षुषत्व, उष्णिमास ऐसा नहीं है ना, हाँ ठीक है, उष्णिमास चाक्षुषत्वम द्रष्टव्यम, चक्षुष्यः भवति, चक्षु का विषय होता है, ऐसा फल कहा गया, वो
और ज्योति की जो उपासना करेगा ना वो सुंदर हो जाता है ना। ये फल का कथन किया गया, इसलिए यहां पर क्या है, स्पर्श रूप एक्यम, स्पर्श और रूप में एकता का, एकता नहीं होता है, स्पर्श अलग होता है रूप अलग होता है, फिर भी यहां पर एकता का अध्यास करके आध्यासिकम आदाय उष्णिमश्च चाकिसत्तम द्रष्टव्यम। इसलिए उष्णिमा मतलब उष्णता, उष्णता यद्यपि चक्षु का विषय नहीं है लेकिन रूप का विषय है वो चक्षु, ठीक है, और रूप के साथ आध्यासिक संबंध किसका है, स्पर्श का, इसलिए बोल दिया कि वो चाक्षुष है। कौन चाक्षुष है, उष्ण धन में है ना, ये बोलते हैं। अब बताते हैं, देखो स्पष्ट करते हैं, रूप स्पर्शयोर एक्याध्यासम स्पष्टयते, रूप और स्पर्श में एकत्व तो नहीं है लेकिन एकत्व का अध्यास हो सकता है, एक्याध्यासम स्फुटयति ये बोलते हैं। यत् तचा स्पर्श रूपेण गृहते तच्चक्षुषा एव, त्वगेन्द्रिय के द्वारा है ना, स्पर्श रूपेण, स्पर्श रूप गृहित होता है वो चक्षु के द्वारा भी गृहित होता है। यहाँ पर एकत्व का अध्यास क्यों ऐसा करते हैं, देखो टीका में दिया है, यद उष्णम तेज, जो उष्ण तेज है वो द्रव्य है ना, वो तेज तो द्रव्य है, द्रव्यात्मकम त्वगेन्द्रियण स्पर्श रूपेण गृहते, हे देव नारायण त्वगेन्द्र के द्वारा गृहित होता है कि नहीं द्रव्य, उष्ण जो द्रव्य है, तत् चक्षुषा एव गृहते वो चक्षु द्वारा गृहित होता है। तत्र हेतु माह, हेतु क्या दिया, देखो दृढ़ प्रतीति करणत्वात् त्वचः, क्या ये ऐसा दिया है, हाँ त्वा तकार है ना, हाँ पंचमंत है, दृढ़ प्रतीति करत्वात्, ठीक है दो तकार है ना, हाँ ठीक तो है, दृढ़ प्रतीति करत्वात् त्वचः, त्वगेन्द्र के द्वारा उसका गण होगा क्योंकि दृढ़ प्रतीति के लिए कहा, दृढ़ प्रतीति करत्वात्, तात्पर्य क्या है देखो लिखे यहां पर, त्वचो दृढ़ायाम प्रतीतो हेतुत्वात्, हेतु होने से चक्षुषा तादात्म्य आरोपात इत्यर्थ, इसलिए चक्षु के द्वारा भी उसका क्या होगा, तादात्म्य का आरोप होगा, मतलब क्या, क्योंकि व्याप्ति होती है दोनों में, कैसे व्याप्ति होती है, देखो बोलते हैं जो रूप वाला होता है ना वो स्पर्श वाला होता है, व्याप्ति बनेगी, जो जो रूप वाला है वो स्पर्श वाला होगा, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, जो रूप वाला होगा वो स्पर्श वाला होगा, मतलब जहां रूप रहेगा वहां पर जरूर स्पर्श रहेगा, ठीक, जहां पर स्पर्श रहेगा वहां पर रूप रहेगा नहीं रहेगा, वायु में नहीं रहेगा, वायु में स्पर्श तो है लेकिन रूप नहीं है, इसलिए व्याप्ति ये बन जाएगी, यत्र यत्र रूपवत्तम तत्र तत्र स्पर्शवत्तम, ये बन जाएगा, व्याप्ति को बोलते हैं न्याय में अविना भाव, तेन बिना न भवती थी अविना भाव, ये अविना भाव बोलते हैं जैसे बढ़नी के बिना धुआं नहीं है, इसलिए बढ़नी और धूम में रहेगा अविनाभाव संबंध है ना, यद्यपि व्याप्ति है दोनों में संबंध को, संबंध को यद्यपि व्याप्ति बोलते हैं, ठीक ना, लेकिन साध्य की व्याप्ति हेतु में होती है, हेतु की व्याप्ति साध्य में नहीं है ना, इसलिए बढ़नी निरूपिता व्याप्ति धूमे न तो धूम निरूपिता व्याप्ति मन्नौ, ये प्रक्रिया है, परंपरा है, ठीक है, ये परंपरा से ही ज्ञान होता है, बिना परंपरा से नहीं, किसी की बहुत बुद्धि होगी तो हम समझ लेंगे ऐसा नहीं, कितने भी आपके बुद्धि तेज हो जाओ लेकिन ज्ञान तो किसे होता है, परंपरा से, ये लोग लिखते ना वो नागेश, नागेश भट्ट व्याकरण के परिभाषेंदु शेखर, बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा हो, हाँ जरूर पढ़ना चाहिए, जो व्याकरण को ठीक से पढ़ना चाहते हैं उसको जरूर परिभाषेंदु शेखर पढ़ना चाहिए,
वो लिखते हैं, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात अलक्षणम, ये बोलते हो। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर, व्याख्यान से ही सिद्धांत के विशेष प्रतिपत्ति होती है ना। व्याख्यान क्या परंपरा समझ लो और क्या, ठीक है। नहीं संदेहात अलक्षण, अरे हमको संदेह हो रहा इसका बोला गलत है, ऐसे नहीं होता। आपके संदेह होने से क्या सिद्धांत गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। चलो इसलिए यहां पर देखो ये बोला जाता है परंपरा से होती है, इसलिए साध्य की व्याप्ति धूम में रहेगी, ये हेतु में रहेगी। इसलिए यद रूपवत भवति, जो पदार्थ रूप वाला होगा ठीक है ना, वह स्पर्श वाला होगा जरूर। इति नियमात, ये नियम है, ये व्याप्ति है, नियम यहां पर व्याप्ति ले लो। ये नियम व्याप्ति होने से रूप स्पर्शय हो तादात्म अध्यास, ये रूप और स्पर्श में क्या हो जाएगा, तादात्म अध्यास हो जाएगा। जहां पर रूप रहता है वहां पर स्पर्श जरूर रहता है। इसलिए तस्य चाक्षुषत्व सिद्धि, इसलिए उष्ण को भी क्या बोल दिया, चाक्षु से बोल दिया इस अभिप्राय से। यद्यपि रूप त्वाच है, तो इंद्रिय का विषय है, फिर भी उसका संबंध किसके साथ है, रूप के साथ है, अविनाभाव संबंध है। इसलिए रूप को जो ये क्या बोलते हैं, उष्णों को भी क्या बोल दिया, तो चाक्षुष बोल दिया, ठीक है ना भाई, ऐसा लगो। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर अविनाभूतत्वाच रूप स्पर्शयो हो, रूप और स्पर्श में अविनाभूतत्व है, मतलब व्याप्ति रूपी संबंध है। ज्योतिषो लिंगम औष्ण्यम, इसलिए ज्योति में जो है ना लिंग कौन हो गया, औष्ण्यम उष्णता, ये हो गया लिंग। इसलिए उष्ण को उष्ण का ग्रहण करते हुए वो ज्योति का गणक हो जाता है, ये लिंग हो गया औष्ण्यम। तस्य त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वम, त्वगिंद्रिय ग्राह्यस्य, वो त्वगिंद्रिय से ग्राह्य है, त्वगिंद्रिय से ग्राह्य होने पर भी उसको चाक्षुष का चाक्षुषत्वम उपपादये तुम, चाक्षुषत्व का उपादन करने के लिए पूछता है, वो कोई जिज्ञास पूछता है, पृच्छति कथम पुनस्तस्य ज्योतिषो लिंगम, तस्य कस्य उष्णस्य, वो उष्ण जो है वो ज्योति का लिंग कैसे हो गया भाई, ये बोलते हैं। त्वग दृष्टि गोचरत्वम आपद्यते, त्वग इंद्रिय का विषय तो है ठीक है, त्वग गोचरत्व तो है, दृष्टि गोचरत्व तो होगा नहीं, दृष्टि में यहां पर चक्षु है, चक्षु से दृष्टि ज्ञान होता है ना, इसलिए चक्षु को बोल दिया दृष्टि, दर्शन में दृष्टि ज्ञान यहां पर, और ज्ञान का है तो चक्षु है, इसलिए चक्षु को बोल दिया दृष्टि। त्वक दृष्टि गोचरत्वम कथम आपद्यते, त्वक गोचरत्वम तो है कहाँ पर है, वही उष्ण में ले लो अथवा ज्योति में ले लो, उष्ण में ले लीजिए और क्या, क्योंकि ज्योति का लिंग कहा है ना, उसमें त्वक दृष्टि गोचरत्वम, दृष्टि गोचरत्व तो नहीं बनेगा, त्वक गोचरत्वम तो बनेगा उसमें। इति आह, इसका उत्तर दिया जा रहा है। तस्सेषा दृष्टि इत्यादि वाक्येन, क्योंकि मंत्र में आया ना, यही उसकी दृष्टि है, इस वाक्य के द्वारा उत्तरम दर्शयन, उत्तर को दिखाते हुए, दर्शन का अर्थ दिखाते हुए है ना, दिखाते हुए यत्र इत्यादि, क्योंकि यत्र आया ना मंत्र में, तस्य ऐसा श्रुतिर यत्र ये तत्कर्णो, ऐसे कान को बंद कर दो वहां पर शब्द भी सुनाई देता है ठीक है, स्पर्श स्पर्श शब्द शब्द एक, इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शंकरम शंकराचार्य केशवम बादर सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति।
मूर्ति भेद विभाग व्योम व्याप्त निहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।